टीजी टू पीजी टी कंप्यूटर में आपका स्वागत है दोस्तों। जरूर बात करेंगे पीजीआई रोहतक स्टैंडर्ड्स की, जो आपको डीवीए के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस और रेजिडेंसी के नोट्स चाहते हैं तो उनके भी डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आपका रिजल्ट आ चुका है पीजीआई रोहतक का, और जो के टॉपर के हैं वो आपके 79 मार्क्स हैं। तो दोस्तों अब आपके जो रिजल्ट आया वो सब कैंडिडेट का है, तो लेकिन आपके मन में डीवी कितने का जाएगा तो सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डीवी के लिए जो एक्सपेक्टेड है, तो जो पहले आप ये बात ध्यान रखें कि डीवी के लिए 3 times कैंडिडेट बुलाएंगे। तो दोस्तों ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है आपका, डीवी के लिए आना मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो डीवी के लिए आपको जो जनरल है वो आपका 55 से 57 मार्क्स तक के लिए कॉल आ सकती है डीवी के लिए। और बीसीबी कैटेगरी के लिए आपके 53 से 54 मार्क्स, BCA के लिए 51 से 52 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 49 से 50 मार्क्स, और EWS के लिए आपकी 53 से 54। तो दोस्तों ये आपके इन रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके DVA के लिए आपको बुला सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये जानना होगा कि 3 times कैंडिडेट्स हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं सोशो इकोनॉमिक के वो आपके कम से कम 5 मार्क्स ना मिले। जिसको 7 मार्क्स मिल गए उसका सिलेक्शन है, लेकिन जिसको 5 मार्क्स मिले उसका भी हो सकता है। तो लेकिन आपका जो भी है जिसका भी डीवी में आ जाए तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो वो आपका सिलेक्शन मान सकता है, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है। और ये भी देखने वाली बात है कि सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स कितने बच्चों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यही थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड इतनी ही जाएगी, हल्की सी एक नंबर नीचे हो सकती है, लेकिन और इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें डीवी के लिए। और जो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है आपका सोशो इकोनॉमिक पर डिपेंड करेगा। आपके 5 से ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब 7 मार्क्स है या फिर 6 है तो आपका सर सिलेक्शन है, लेकिन अगर 5 भी है तो भी आपका हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों को सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।